नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से अपने कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा जब भी हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो उसकी स्पीड भी काफ़ी धीमे हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर जाना है और कंप्यूटर के अंदर जाके आपको रन फाइल को ओपन करना है। रन फाइल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है %temp%। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया है। फिर हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो फालतू की फाइल यहाँ पे जितनी भी शो हो रही है इन सबको यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट करना है। और कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट करने के बाद हमें इन सबको यहाँ से डिलीट करना है और फिर हमें यस पे क्लिक करना है जिससे कि ये डिलीट हो जाएगी। दोस्तों, इसमें कुछ फाइल ऐसी भी होगी जो आपसे डिलीट नहीं हो तो आप उसको स्कैन करके बैक ले सकते हैं, क्योंकि जो फाइल डिलीट नहीं होगी वो शायद आपके कंप्यूटर के अंदर अभी रनिंग होगी इसलिए वो डिलीट नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल है डिलीट नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है और स्कैन पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू होना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी फाइल डिलीट हो चुकी है। अब हमें जो सेकंड इसके अंदर जो काम करना है वो ये है कि हमें अपने कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे जो जितने भी फालतू के सॉफ्टवेयर हैं उन सबको यहाँ पे हमें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फिलहाल कोई भी फालतू का सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि आपके पास कोई फालतू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिसका आप उपयोग नहीं करते तो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है जिससे कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, हमें इसके अंदर जो तीसरा काम करना है वो ये है कि हमें अपने रिसाइकल बिन को ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर जितनी भी डिलीट की हुई फाइल है इन सबको यहाँ से डिलीट करना है। तो हमें इन सबको सेलेक्ट करके फिर इन सबको हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का भी उपयोग कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि ये सभी फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आपका जो रिसाइकल बिन है वो यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा रिसाइकल बिन भी यहाँ पे खाली हो चुका है। दोस्तों, चौथे स्टेप में आपको ये करना है कि आपको नीचे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है स्टार्ट टास्क मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी ये प्रोसेस फाइल है इन सबको यहाँ से आपको बंद करना है जिसका आप उपयोग नहीं करते। आपको बंद करने के लिए यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एंड प्रोसेस, आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि ये एंड हो जाएगी। फिर आपको एंड प्रोसेस से क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी ये फालतू की फाइल रनिंग हो रही है इन सबको यहाँ से हमें हटाना है। इसके बाद हमें जो पांचवा काम ये करना है कि हमें अपने कंप्यूटर को यहाँ पे ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमारे जो कंप्यूटर का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन जहाँ पे लिखा है एडवांस सिस्टम सेटिंग, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एडवांसेड और उसके नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस, हमें इसकी सेटिंग में क्लिक करना है। और इसकी सेटिंग में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई हो जाएगा कुछ ही समय बाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है जिससे कि ये अप्लाई एकदम सही से हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके अंदर हमें जो सबसे लास्ट काम ये करना है कि यदि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर कोई अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। फिर आपको उसको रोज़ अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड धीमे नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आपको मैंने जितने भी स्टेप बताए वो सब आप कर लीजिए। फिर आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद आपको उसको ओपन करना है, फिर आप इसको रिफ्रेश करके यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।